नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात धर्मगंगा में। एक दुखद खबर आपके लिए जो कि ज़्यादातर लोगों को अब पता चल गई है, हमारे शंकराचार्य जी नहीं रहे। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन हो गया है। कल यानी कि 12 सितंबर की शाम 5 बजे उन्हें आश्रम में समाधि दी जाएगी। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी हिंदू समाज के अग्रगण्य नेतृत्वकर्ता हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले में जबलपुर के पास में एक गांव जिसका नाम है दिघोरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी को समाधि दी जाएगी, जो कि संतों की जो परंपरा है उसका निर्वाह किया जाएगा। अंतिम संस्कार अग्नि संस्कार नहीं होगा बल्कि समाधि दी जाएगी उनको। ये हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाते हैं हमारे शंकराचार्य जी। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का देहावसान हो गया है, उनकी आयु 99 वर्ष की थी। जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 2 मठों के शंकराचार्य थे, द्वारका मठ के शंकराचार्य थे और ज्योतिर्मठ के भी शंकराचार्य थे। परमहंसी गंगा आश्रम झोतेश्वर जिला नरसिंहपुर में दोपहर 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार कल सोमवार को संध्या समय 5 बजे उनके आश्रम में ही उन्हें समाधि प्रदान की जाएगी। उनके पार्थिव शरीर को मणिदीप आश्रम से गंगा कुंड स्थल तक पालकी पर ले जाया गया है। अभी उनके पार्थिव शरीर को सभी श्रद्धालुओं के लिए अंतिम दर्शन हेतु रखा गया है। शंकराचार्य जी के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का बेंगलुरु में इलाज चल रहा था पिछले कुछ दिन पहले। वैसे वो आश्रम लौटे थे। हाल में तीजा के दिन यानी कुछ दिनों पहले तीजा के दिन स्वामी जी का 99वां जन्मदिन भी मनाया गया था। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेकर देश के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेकर जेल जाने का भी अवसर प्राप्त किया था। राम मंदिर निर्माण के लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी जो अंत में उनके कारण हम हिंदुओं को जीत के रूप में, विजयश्री के रूप में प्राप्त हुई। इसलिए हिंदू समाज में उनके निधन पर शोक की लहर देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। मोदी जी ने ट्वीट करके लिखा है कि द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। शोक के इस समय में उनके अनुयायियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने घर का त्याग 9 साल की छोटी सी उम्र में ही कर दिया था और धर्म यात्राएं प्रारंभ कर दी थी। इस दौरान वे सर्वप्रथम काशी पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने ब्रह्मलिंशी स्वामी कर्पात्री जी महाराज वेद वेदांग और शास्त्रों की कर्पात्री जी महाराज के श्री मुख से शिक्षा प्राप्त की, वेद वेदांग की और शास्त्रों की। ये वो समय हुआ करता था जब भारतवर्ष में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, देश में आंदोलन हो रहे थे। 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। उस समय शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती भी एक देश प्रेमी होने के नाते स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उस समय उनकी आयु सिर्फ 19 वर्ष की थी। क्रांतिकारी साधु के रूप में उनकी पहचान बनी। इस दौरान वे वाराणसी की जेल भी गए और 9 महीने की सजा काटी। उनके गृह राज्य मध्य प्रदेश की जेल में ही उनको 6 महीने रखा गया। 1981 में उन्हें शंकराचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती कर्पात्री जी महाराज की राजनीतिक दल राम राज्य परिषद के अध्यक्ष भी रहे। 1981 में शंकराचार्य जी की शंकराचार्य पद की प्राप्ति इन्हें हुई। उन्हें उपाधि मिली शंकराचार्य की
वर्ष 1981 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को, 1950 में शारदा पीठ शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड संन्यास की उन्होंने दीक्षा ली थी और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम उनको तभी प्राप्त हुआ था। राजनीति में वे काफ़ी लंबे समय सक्रिय रहे। प्रायः तमाम विषयों पर वो सरकार के विरुद्ध मुखर होकर अपनी आवाज़ उठाते थे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जब ईरान की यात्रा पर गई थी तो सुषमा जी ने अपना सिर ढक रखा था, क्योंकि वहाँ पर हिजाब का चलन था, इसलिए उनको ऐसा करना पड़ा था। परंतु स्वामी शंकराचार्य जी ने, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने इसका विरोध किया। तीज का दिन मनाया था उन्होंने अभी कुछ दिन पहले अपना जन्मदिन। उन्होंने क्या, उनके भक्तों ने, उनके अनुयायियों ने उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया था, लेकिन तब पता नहीं था कि ये उनका अंतिम जन्मदिवस होने जा रहा है। कुछ दिन पहले की ये बात है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उनके जन्मदिन पर उनको बधाई दी थी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हमारे पूज्य गुरुदेव सनातन धर्म के ध्वजवाहक अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के प्राकट्य दिवस पर उनको हम हार्दिक शुभकामनाएँ अर्पित करते हैं। हम सबके प्रेरणा स्रोत महाराज श्री स्वस्थ रहे और दीर्घायु रहे, यही माता राजराजेश्वरी से हमारी प्रार्थना है। परंतु विधि के विधान में कुछ और ही लिखा हुआ था। अब हमारे बीच नहीं है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी। हम रेडियो हिंदुस्तान के मंच से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।